हिमाचल प्रदेश राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ जिला कुल्लू की बैठक जिला प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक एसआर बंसल के साथ हुई। बैठक में संघ के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान अध्यापक संघ ने सीएनवी के विभिन्न मुद्दों को लेकर उपनिदेशक को डिमांड चार्टर सौंपा। विभाग की ओर से शिक्षकों को करवाई जाने वाली ट्रेनिंग शिक्षा सत्र के शुरुआत में करवाने की मांग रखी, ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर न पड़े। इसके अलावा सीएनवी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी करने, अध्यापकों की कन्फर्मेशन सूची, जिला मुख्यालय में निर्मित शिक्षक सदन का जीर्णोद्धार और रात को ठहराने की सुविधा देने, आने व निर्मंड शिक्षा खंडों में दिवाली पर मिलने वाले अवकाश को रद्द करके दशहरा अवकाश घोषित करने की मांग भी रखी गई। संघ का कहना है कि सरकार एसएमसी अध्यापकों के लिए भी स्थायी नीति बनाए। आदरणीय श्री बंसल जी, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ हमारी पहली बैठक हुई, जिसमें हमने संघ की बहुत सी मांगों को इनके समक्ष रखा। आदरणीय बंसल जी ने पिछले 5 महीने पहले इस कार्यालय में ज्वाइन किया और इन्होंने 5 महीनों में जो इनकी कार्यशैली इस कार्यालय में रही वो अति सराहनीय है। आज हमारे संघ के जो पदाधिकारी है विभिन्न खंडों के, वो सभी इस बैठक में आए, तो हमने एक मांग पत्र इनके समक्ष रखा जिसमें हमने इनसे मांग की थी कि इस ऑफिस को हाईटेक किया जाए। जितने भी यहाँ से पत्राचार होते हैं उनको वेबसाइट के माध्यम से, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में जो अध्यापक हैं, हमारे जो दूसरे स्कूल हैं, उनको यहाँ आने की आवश्यकता न पड़े और वेबसाइट से वो जितने भी पत्राचार हैं उनको डाउनलोड कर सके। तो इन्होंने पहले ही इस संदर्भ में एक प्लानिंग बनाई थी, तो आज इस वेबसाइट का लॉन्च हो रहा है। तो हमारे संघ की ओर से भी इस वेबसाइट के खर्चे के लिए जो भी धनराशि बनती है तो वो हमने चेक के माध्यम से इनको प्रदान कर दी है। और इसके साथ हमने बहुत सी मांगे इनके समक्ष रखी, जिसमें जो सीनियोरिटी लिस्ट है उसको अपडेट करना और कन्फर्मेशन जो अभी तक नहीं हुई है उसको करना। और हमने एक मांग रखी है कि जो टीचर्स के वर्कशॉप होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, तो उनको या तो सेशन के शुरू में ही रखा जाए या एनुअल एग्जाम के बाद में रखा जाए, क्योंकि बीच सेशन में इस तरह के कार्यक्रम करवाने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह बच्चों की पढ़ाई आगे आने वाले समय में बाधित हो, तो इन्होंने कहा कि हम इस पर एक्शन लेंगे। और दूसरी हमारी मांग, जो यहाँ एक टीचर होम बना है, तो हम चाहते हैं कि इसका पुनर्निर्माण हो, क्योंकि काफी अच्छी जगह पर बना है लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि रहने के लिए अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है। हम आनी निर्माण क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं तो हमें रात्रि ठहराव की बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने इनसे गुजारिश की कि इसको अपने विभाग के नाम किया जाए और यहाँ पर 3-4 सेट अच्छे बनाए जाए, ताकि दूर दराज जिला कुल्लू के कोई भी टीचर यहाँ जब आते हैं अपने काम से तो उनको रहने के लिए यहाँ पर सुविधा हो। इसके अलावा हमने आनी और निर्माण क्षेत्र में वहां दशहरे का अवकाश नहीं होता है, क्योंकि एक ही जिला के लोग होते हुए भी हमें वहां दिवाली का अवकाश दिया जाता है, जबकि हमारा जो एडज्वाइनिंग जिला है लाहौल स्पीति, वहां दशहरे का अवकाश होता है। तो हमने मांग की कि हमें दिवाली की जगह दशहरे का अवकाश दिया जाए, तो डायरेक्टर महोदय के लिए इस संदर्भ में मांग पत्र लिखा जाए और आने वाले अगले साल से इस तरह आनी और निर्माण का जो ऑटो सराज का एरिया है वहां भी दशहरे की छुट्टियां दी जाए, ताकि वहां के बच्चे और अध्यापक अपने देवी देवताओं के साथ दशहरे में शिरकत कर सके। तो एक बार हम आदरणीय बंसल जी का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारी तमाम मांगों पर पूरी तरह से ध्यानपूर्वक से सुना और उनको उनके निवारण के लिए इन्होंने कदम उठाने शुरू कर दिए।